नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी AMS इंग्लिश मीडियम स्कूल के संचालकों की तरफ से आप सभी के समक्ष एक संदेश देने हेतु उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए हमारे पेरेंट्स के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। स्कूल कब खुलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारे बच्चों की तो पिछले वर्ष की फीस बकाया है, तो इस वर्ष बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम आप सभी को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम पैसे के अभाव के कारण हमारा एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं बकाया फीस की। पिछले वर्ष सन 19-20 की जिस बच्चे की भी फीस बाकी है, वे आने वाले सत्र यानी 20-21 के 4 से 6 महीने के अंतराल के भीतर अपनी अपनी फीस जमा करा सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, जिस बच्चे की भी फीस पिछले वर्ष की अभी बकाया है, पैसे के अभाव के कारण पेरेंट्स इस समय फीस नहीं दे पा रहे हैं, वे आने वाले सत्र 20-21 में 4 से 6 महीने के अंतराल के भीतर अपनी अपनी फीस जमा करा सकते हैं। स्कूल फीस की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने बच्चों की पढ़ाई फीस के अभाव से रुकने नहीं देनी है। हम अपना नया सत्र 20 से 25 जून के बाद शुरू करने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास में 1 से 2 घंटे तक का सेशन लगातार अटेंड कर पाएंगे। तो हाँ, वो तो काफी मुश्किल है, खास तौर पर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो ऐसे में हमारे स्कूल के टीचर्स तथा स्टाफ द्वारा बहुत ही आसान तरीका निकाला गया है, खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए। सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा हर चैप्टर के छोटे छोटे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जब भी पेरेंट्स को टाइम मिले वो वीडियो बच्चों के साथ लेकर बैठ जाए और उस वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा कर उस वीडियो के बारे में विस्तार से अपने बच्चों को बता सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कहीं भी बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे तथा अभिभावकों को भी कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस तथा अन्य परेशानियों से अभिभावकों को भी छुटकारा मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी अपने अपने क्लास टीचर को संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी हमारे टीचर्स तथा स्टाफ का सहयोग करेंगे और आप और हम मिलकर शिक्षा को कोरोना के डर से नहीं रुकने देंगे। नमस्कार।